हाय एवरीवन, कैसे हैं बच्चे? सब बच्चे सब अच्छे, मन के सच्चे, वेरी गुड। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, 11th क्लास का चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, बड़ा फेमस। उसमें हर टॉपिक, हर जो पोर्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन लेने वाले हैं इसमें बफर सॉल्यूशन। नाम सुना है आपने, कॉमन एंड इफेक्ट। हाँ बेटा, सुना है सबने, ठीक है ना, कॉमन एंड इफेक्ट। तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। पहले वही थोड़ी बेसिक बातें होंगी, फिर उसके बाद आपको पता ही है, गिव मी जस्ट 15 मिनट्स, उसके बाद देन यू विल रियलाइज कि क्या हो रहा है, क्या आपको पता था, क्या आपको पता होना चाहिए था जो नहीं पता, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां मैं बात बोलना चाहूंगा फिर से 11th क्लास के बच्चे, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, वेल एंड गुड, दे विल एंजॉय, ठीक है, उनको आइडिया है सारा क्या है, उसके बाद वो एंजॉय करेंगे कि हाँ यार ये मुझे पता था, ये नहीं पता था। बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, बेटा बिल्कुल परेशान ना हो वो लोग। कभी वो सोचे यार हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा जब आपने पढ़ा ही नहीं तो कहां समझ में आएगा, राइट? तो वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत बढ़िया वीडियोज बनाए हुए हैं, पूरी डिटेल है आपके, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, राइट? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके लिंक क्लिक कर लेना, तुम्हारे को वीडियोस मिल जाएंगे सारे, तो वहां से पहले आराम से देख लेना। इस टेंशन में मत आना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हेडिंग हमारा है बफर सॉल्यूशन। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, व्हाट? कि एक ऐसा सॉल्यूशन, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, सपोज हमने एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन ले लिया, टेक एन ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। अब हम इसमें अगर एक ड्रॉप HCl की डालेंगे, बेटा आपने कोई ऑर्डिनरी सॉल्यूशन लिया, तो सब कुछ पर्टिकुलर पीएच होगा, सब सॉल्यूशन का पीएच होता है। अगर आपने उसमें एक ड्रॉप HCl की ऐड करी, तो डेफिनेटली उसका पीएच बदल जाएगा। ऑब्वियसली बेटा HCl बदलेंगे, पीएच बदल जाएगा, आप जानते हो। आपने एक ड्रॉप NaOH का डाला, बोलो HCl चेंज होंगे, पीएच चेंज हो जाएगा। आपने डाइल्यूशन करा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस वाला पढ़ चुके होंगे आप, वहां पर आपको याद होगा डाइल्यूशन से पीएच बदल जाता था, राइट? ओके, तो किसी ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में ये काम करते हैं तो पीएच चेंज हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये काम करने से पीएच चेंज नहीं होता, इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन, यू नो दैट, राइट? ओके, दो तरह का बताया जाता है आपको, कौन कौन सा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक ठीक, क्या कॉम्बिनेशन है बेटा? एक तो वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद दैट एसिड। पढ़ो जरा ध्यान से फटाफट, वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद दैट एसिड। बेसिक बफर में एसिड की जगह बेस कर देते हैं, बेस की जगह एसिड कर देते हैं। अपने आप बोल दीजिए फटाफट, वीक बेस होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, विद दैट बेस होगा। से फॉर एग्जाम्पल बेटा, वीक एसिड का नाम बताओ, एसिडिक एसिड, ठीक। कोई स्ट्रॉन्ग बेस सोचो, NaOH, इसके साथ सॉल्ट बोलो, उसका इसके साथ सॉल्ट बोलो, सोडियम एसिटेट, बोलो एसिडिक बफर है कि नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं HCl, बेटा इट्स अ वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ सॉल्ट NaCN ले लो, KCN ले लो, कोई भी ले लो, ठीक, ये हो गया एसिडिक बफर। बेसिक बफर पे आओ जी, कोई वीक बेस का नाम बताओ, अमोनिया NH4OH, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, इसके साथ सॉल्ट हो गया NH4Cl, बोलो नहीं सर HCl नहीं अच्छा लगता, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा सॉल्ट। नाइट्रिक एसिड ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, कोई बनाई नहीं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि कौन एसिडिक बफर है, कौन बेसिक बफर है, इसकी हमें पहचान होनी चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में वो नहीं बोलता कि बफर है, आपको डिसाइड करना पड़ता है बफर है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता था इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते थे। तो बफर का पीएच कैलकुलेट करते थे बेटा हेंडरसन इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में लास्ट में भी दिया है, लास्ट में गिवन है हेंडरसन इक्वेशन, बोली क्या था, पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके आप समझते हैं माइनस लॉग के, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सिमिलरली पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, इसके क्या माइनस लॉग के भी लिख सकते थे,
पीके कितना था बेटा, माइनस लॉग के, और पीके भी कितना होता था, माइनस लॉग के। खैर ये आपको पता है, तो ये आपकी हेंडरसन इक्वेशन है। तो जब भी बफर गिवन होगा आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे और आपका पीएस कैलकुलेट होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो ये बनते हैं। आइए, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.01 मोलर सोडियम एसिड ऐड कर दिया गया। वीक एसिड है तो के गिवन होगा, के हो या पी के हो, ठीक, पीएस पूछता है। हो गया क्या, सॉल्ट बोलो 0.01, एसिड बोलो 0.1, पीके दिया हुआ था या के दिया हुआ था, पीएच निकल जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझते हैं आप, इतना समझ आता है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हैं। जब मैं पढ़ता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, जिस दिन मैंने ये हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी, जब मुझे पढ़ाई गई होगी स्कूल में कि पीएच इज इक्वल टू इतना, मेरे तो क्वेश्चन मार्क लगते बहुत सारे दिमाग में, ये क्या पंगा हुआ, What is this problem? ये हुआ क्या? बोले क्यों भाई साहब, कल तक तो मैं ये पढ़ता रहा कि पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन। जरा मुझे पीएच का फॉर्मूला बताएं। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड था, चाहे वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, वीक बेस था, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन, राइट? राइट। आज पीएच निकालने का फॉर्मूला चेंज हो गया, इतना बड़ा फॉर्मूला आ गया पीएच निकालने का। कल तक पीएच इससे निकल रहा था, आज पीएच का नया फॉर्मूला आ गया। मेरे को तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। नहीं आ रही बेटा समझ में? मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं, यूज योर ब्रेन, दिमाग लगाओ बेटा, बढ़िया रैंक तभी आएगी, बता दिया मैंने। मैं सिलेक्शन की तो बात ही नहीं करता, ठीक। तो बात ही हो रही है कि पीएच का फॉर्मूला मैंने ये पढ़ा था, आज एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक। ये कैसे आ गया? तो बताइए साहब, प्रॉब्लम नंबर वन, पीएस का फॉर्मूला क्या है? सर मुझे तो फॉर्मूले में डाउट होने लगा, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई साहब सवाल ये उठता है, आइए कहां से आया वो डिस्कशन करेंगे बाद में, है ना। मैं इसमें और कुछ बातें दिखाता हूं आपको, प्लीज साहब देखिएगा। तो भाई साहब हमारे को जो क्वेश्चन दिया है, तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। पहला सवाल था एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिलाया गया, कितना कितना, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, पीके इतना है, पीएच निकाल दिया। बताइए सॉल्ट दिया हुआ था 0.01 मोलर, एसिड दिया हुआ था 0.1 मोलर, पीके आपको गिवन था, पीएच निकल गया। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है बेटा, बस फर्क कर दिया मैंने, इतना एसिटिक एसिड है, इतना सोडियम एसिटेट है, पीके भी इतना है, एसिड इज 90% डिसोसिएटेड, सॉरी सॉल्ट इज 90% डिसोसिएटेड। नहीं होने का, जेई का सवाल है, वही क्वेश्चन है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में 0.01 मोलर सोडियम एसिड डाला गया, के पीके इतना है, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब उसने ये कह दिया जो सॉल्ट है ना, दैट इज 90% डिसोसिएटेड। होगा नहीं, होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री सुनते रहिए, सवाल दिया मैंने, इस बार मैंने विकम से लिया NH4OH का, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। आइए साहब, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, वीक बेस है, पीके भी इतना है, पीके भी इतना है, पीएच निकालना है। चलिए साहब पहले बताइए बफर कैसा है, एसिडिक की बेसिक? बोले साहब बेसिक बफर है, वीक बेस है, हाँ बेटा तो बेसिक बफर हो गया। तो पहले हम पीओएच कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। आइए, पीओएच इज इक्वल टू पीके भी आपको गिवन है प्लस लॉग, सॉल्ट बोलिए कितना है 0.01, बेस कितना है 0.1, बार देखो, थर्ड क्वेश्चन था NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट का बफर था, दोनों कॉन्सेंट्रेशन के बिना, सॉल्ट पता है, बेस पता है, पीके भी पता है, पीओएच निकालना था, चौथे में से माइनस करके पीएच निकालना था।
आपने सॉल्ट रखा, बेस रखा और उसने दिया काट। गलत आंसर है, गलत आंसर है। जरा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहली प्रॉब्लम तो यह है क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं है, मुझे सेंस ही नहीं है, इसी वजह से तो आप क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आओ, पहला क्वेश्चन था एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, सॉल्ट पता था, इधर आओ, सॉल्ट पता था, एसिड पता था, पीके पता था, पीएच निकल गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। जब सेकंड क्वेश्चन उसने कहा 90% डिसोसिएटेड है, तो मुझे ये सेंस ही नहीं है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है मुझे, 90% डिसोसिएटेड तो क्या कर लूंगा इसमें, क्योंकि मैंने इसको सीखा ही नहीं है, राइट। अच्छा चलिए उसकी बात करूंगा। थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, थर्ड और फर्स्ट तो एक जैसे हैं, बस ये क्या है, एसिडिक बफर था, ये बेसिक बफर है। आ जाओ, बेस पता है, सॉल्ट पता है, पीके भी पता है, पीके भी रखा, सॉल्ट रखा, बेस रखा, अब पीओ साहब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, ये भी गलत है। कारण तो बता दूंगा, जब पहले इनकी तो देख ले, इनफैक्ट ये फॉर्मूले प्रॉपर नहीं है, इसीलिए गलतियां हो रही हैं भाई साहब। पीएस के फॉर्मूले कहां से आया, अगर ये क्लियर होता तो ये क्वेश्चन क्लियर होते। बस हमारी है तो जो हेंडरसन इक्वेशन वो प्रॉपर क्या है, वो प्रॉपर ये नहीं है। दैट्स व्हाई आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बेटा। बताइए दूसरी प्रॉब्लम समझाएंगे, ठीक। अब मेरे को बता दो, बफर में पीएचसी तो पूछता है और पीएच के लिए आपको इक्वेशन बताया, लगा दो दिखा, लगा दो थी एक जगह तो छोटे सवाल में लग गई, यहां फंसे, यहां नहीं लगी, यहां से बताया, तो इक्वेशन भी अगर हम ठीक से नहीं लगा पा रहे बेटा, न्यूमेरिकल कैसे ठीक हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। करूंगा, डोंट वरी। अगली प्रॉब्लम, आपने एक बात बोली, हटाओ मिटाओ, आपने एक बात बोली कि साहब ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में ये सब काम करते थे तो पीएच बदल जाता था, बट बफर में नहीं बदलता, बफर सॉल्यूशन ये तो है इसमें नहीं बदलता, व्हाई पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट, व्हाई, जानने की जरूरत नहीं है? बोले सर पता है हमको। क्या पता है? बोले सर कॉमन इफेक्ट लगता है। बिल्कुल सही पहचान है आप। आइए दो मिनट दीजिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट बताता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट एसिटिक एसिड, जल्दी से देखें, एच आयन एसिटेट आयन, के बोलो फटाफट, एच आयन इंटू एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, बेटा के निकालना आता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वीक एसिड का, ओके क्या डाला, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आ जाओ जरा, अब देखो कैसे पढ़ा था आपने, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है। आइए, इक्विलिब्रियम जब होता है कंसंट्रेशन कांस्टेंट जाती है, ये एच आयन ये एसिटेट आयन ये बचा हुआ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब उस डब्बे में आपने क्या डाला, सोडियम एसिटेट, राइट, उसने क्या करे एसिटेट आयन और दिए, एक्स्ट्रा दिए। अब देखना, जब एसिटेट आयन एक्स्ट्रा आएंगे तो अगर लीचर केस पढ़ा हुआ आपने, ये बढ़ रहा है, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कैसे भी समझ सकते हो आप, ये बढ़ गया इसको कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाला सामान बढ़ गया इसको रखना है कांस्टेंट, ऑब्वियसली नीचे वाला सामान बढ़ाना पड़ेगा, नीचे वाला सामान बढ़ाने का मतलब है एसिटिक एसिड बढ़ेगा, या तो आप ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो लीचर लेयर से ये बढ़ गया बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो यह था कॉमन इफेक्ट, क्या ध्यान सुनना, एसिटिक एसिड जो पहले ही वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। अब देखो जो हो भी रहा था वो रिएक्शन में क्या आया, वापस ये रिएक्शन बैकवर्ड चल गई, तो जो 5-10% डिसोसिएट हो रहा था उसमें से भी कुछ वापस आ गया, यानी इसकी डिसोसिएशन बहुत कम हो गई, यस और नो बेटा, जो गया था वो भी वापस आ गया, तो दिस कॉमन इफेक्ट, क्या सुन लीजिए, द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having one ion common, ये common effect, ठीक है।
आंसर देना मेरे सवाल का। आओ, मैं 20 बार कह चुका हूं बेटा, यूज योर ब्रेन। आपसे कहा गया जिस समय आपने पढ़ा कि ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में पीएच बदल जाता है, ठीक है, बफर में नहीं बदलता, तो आपको आंसर ये दिया गया बिकॉज ऑफ कॉमन एन इफेक्ट। तो क्या हो गया कॉमन एन में? चलिए यहां आ गया कॉमन इफेक्ट। अब क्या करूं? ये एक्सप्लेनेशन कहां है मेरे पास कि एसिड मिलाऊं, बेस मिलाऊं, पानी मिलाऊं, पीएच नहीं बदलेगा, कॉमन इफेक्ट तो यहां का हो गया। अब नाउ व्हाट? नहीं आ रही मेरी बात समझ। क्या जस्टिफिकेशन है इस बात का? आपने कहा साहब एसिड बेस मिलाते हैं तो पीएच नहीं बदलता। आपने पूछा क्यों एक्यूरेसिटी हुई, बल्कि सर क्यों नहीं बदलता? बेटा कॉमन इफेक्ट लगता उसमें। अच्छा, लग गया कॉमन इफेक्ट, तो क्या हुआ? एसिड बेस मिलाया, पानी मिलाया, तो इसका आंसरिंग कहां मिली मुझे? इसके आंसरिंग कहां है मेरे पास? आपने तो कॉमन इफेक्ट समझा दिया बस मुझे। बोलो बच्चों, मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? व्हाई पीएच डज नॉट चेंज? और ये सवाल एसर्शन रीजन में एम्स में आ चुका, एम्स में आ चुका है। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो बेटा फिर वही बात है, देख रहे हो फॉर्मूले भी वही हैं, बुक्स में गिवन है, आपने भी पढ़े हैं, होंगे नहीं क्वेश्चंस, हल्का सा ट्विस्ट करा उसने और आप गए। एक साल गया पूरा, समझो। तो बी सीरियस, अपने बारे में कॉन्सेप्ट हो जाओ, प्रॉपर पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है बेटा, बिल्कुल क्रैम मत करना, बता दिया मैंने, आते हुए सवाल होते नहीं बेटा, ठीक है। अब फिर वही बातें, इन सबकी डिटेल कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, राइट, उसमें लिंक मिलेगा आपको, हर बार बताता हूं, क्लिक करो, आयनिक फिल्म खोल लेना और वहां पर मिलेगा तो कौन बफर सॉल्यूशन, ओपन करना, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस विद न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे करना, उसके बाद मुझसे बताना कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है बफर का जो तुम्हें नहीं पता होगा, राइट, दिस इज माई चैलेंज, ओके, चलिए करिए।